दोस्तों, अजमेर दरगाह का खादिम गौहर चिश्ती अपने आप को बहुत ज़्यादा सातिर और इंटेलिजेंट समझ रहा था। वो बाय एयर यहाँ से जयपुर से गया हैदराबाद और भेष बदलकर छुप गया। उसने करी तो पूरी अकलबंदी कि भेष बदल लिया, टोपी ओपी हटा दी, कुर्ता पहनना बंद कर दिया, टी शर्ट पहनी, पैंट पहनी और बिल्कुल अर्बन लुक में आ गया। लेकिन ये बेचारा ये भूल गया कि सिर्फ भेष बदलना तुम्हें नहीं आता, तुम ही नहीं जानते। वो आती जाती जो पुलिसकर्मी है उस पर निगाह रखता था, राजस्थान पुलिस की वर्दी को देखता था, कहीं राजस्थान पुलिस का तो कोई जवान नहीं है। लेकिन उस बेचारे को ये नहीं पता था कि राजस्थान पुलिस वाले भी भेष बदल सकते हैं और वो भी मुस्लिम, और इसी चक्कर में वो गच्चा खा गया। यही हुआ उस बेचारे के साथ, उसने भेष बदला और ये भूल गया कि पुलिस भी उसको भेष बदल कर पकड़ सकती है। दरअसल जब उसने 17 जून को दरगाह की सीढ़ियों पर नारेबाजी की, उसके बाद वो 17 तारीख को ही उदयपुर पहुंचा। उदयपुर पहुंचकर रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद से मिला, और यहाँ तक भी जो पता चला है, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि करीब 20 से 22 लाख रुपए इसने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पैसा इसने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया। हालांकि ये पुलिस नहीं बता रही, लेकिन मेरे सूत्र बता रहे हैं कि इतना मोटा पैसा इन्होंने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया। पुलिस अभी जाँच की बात कर रही है, लेकिन इसने बहुत मोटा पैसा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन दिया, और इसके बाद ही उन्होंने कत्ल करने का प्रोग्राम फाइनल किया। और साथ ही साथ इसने जो है बाई एयर, क्योंकि पैसे वाला था, अब जब इसके पीछे पुलिस पड़ गई 25 जून को, जब 4 लोगों को इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी और कई लोगों को, 4 लोग इस मामले में अब तक अरेस्ट हो चुके हैं, तो इसने ये समझ लिया कि अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, और इसलिए उसने अजमेर छोड़ दिया और सीधे बाई एयर जयपुर से चला गया हैदराबाद। और हैदराबाद में जो एहसानुल्लाह, इसका एक दोस्त था एहसानुल्लाह उर्फ मुनव्वर, उसके पास रुका। हालांकि पुलिस इस बारे में जानकारी नहीं दे रहा कि एहसानुल्लाह से इसके क्या संबंध थे, दोस्त था या रिश्तेदार था। तो मैं बताता हूं, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि जो दरअसल एहसानुल्लाह जो है दरगाह आता था 20 साल से इन दोनों की दोस्ती थी, और ये कई बार इससे पहले भी जा चुका है हैदराबाद, तो इनके बीच काफ़ी गहरे संबंध थे, दोस्ती थी। दरअसल एहसानुल्लाह बेगम बाजार जो तोपखाना मस्जिद के पास गोश महल इलाका है, वहाँ पर जो है चूड़ियों की दुकान करता था रानी बैंगल्स के नाम से। और ये क्योंकि 20 साल से जानता था, तो इसने सोचा कि हैदराबाद में छुपना सबसे उचित होगा, और इसने 1 जुलाई से अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया था, और इसका ही मोबाइल अपने दोस्त का जो मुनव्वर है उसका मोबाइल ये यूज कर रहा था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुलिस को ये पता था कि अगर इसको भनक लग गई कि राजस्थान पुलिस इसके पीछे पड़ी है, तो ये फिर हाथ नहीं आएगा। तो राजस्थान पुलिस के जो 5 जवान थे, उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया था, मुस्लिम भेष में आ गए थे, टोपी लगाते थे, कुर्ता पहनते थे, यहाँ तक कि जो तोपखाना मस्जिद है वहाँ पर नमाज के वक्त वो नमाज भी अदा करते थे टोपी लगा के, जो मुस्लिम जो रीति रिवाज हैं वो पूरी तरह से वो फॉलो करते थे, और ये वहाँ पर आता जाता था। इसको नहीं लगता था कि राजस्थान पुलिस उसको आकर यहाँ पर पकड़ लेगी, क्योंकि स्विच ऑफ कर चुका था अपना फ़ोन भी और पूरी तरह से अपना भी गेटअप बदल लिया था, और पुलिस इस पर जो है पैनी निगाह रखे हुए थे। और जहाँ पर ये मुनव्वर साहिनापतगंज में रहता था, उस घर की भी कई बार पुलिस ने रेकी की थी, उसके आसपास की दुकानों की रेकी की थी, और पुलिस यहाँ तक सतर्क थी कि उन्होंने रानीगंज जो थाना था उसको भी इस बारे में सूचना नहीं दी, जो बगल का थाना था उसको सूचना दी। उनको लगता था कि अगर रानीगंज थाने में सूचना दी तो इससे खबर लीक हो सकती है और ये अलर्ट हो सकते हैं, इसलिए साइड वाले थाने को सूचना दी और उसके ही पुलिस कर्मचारियों की हेल्प ली। और जैसे ही इन्होंने इसको पकड़ने की कोशिश की, ये मकान के फर्स्ट फ्लोर पर था, इसने पहली मंजिल पर था तो कूदने की कोशिश की, और यहाँ तक कि पुलिस टीम पर हमला भी कर दिया, लेकिन पुलिस टीम काफ़ी अलर्ट थी और इसको काबू में कर लिया और पकड़ लिया। और अब इन दोनों को, मुनव्वर और गौहर चिश्ती को, पुलिस ने रिमांड ले लिया है, और इनसे पूछताछ की जाएगी और पता कराया जाएगा कि जो उदयपुर में कन्हैयालाल दर्जी का कत्ल हुआ उसमें इनका किस तरह से भागीदारी थी, कितना पैसा ट्रांजैक्शन किया। हालांकि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का पता चल गया, लेकिन फिर भी ये पूछा जाना है कि किस तरह से इन लोगों ने उन दोनों को इस पूरे मामले पर लगाया था, और उन दोनों के अलावा और दूसरे कौन लोग थे जिनको इन लोगों ने तैयार किया था इसी तरह के घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए। गौरतलब है कि जो जय नारायण जाट है कांस्टेबल, उसने ही FIR दर्ज कराई थी इनके खिलाफ 17 जून की घटना को लेकर, कि मैंने इन लोगों को समझाया, पुलिस ने समझाया कि आप मौन जलूस निकाल रहे हैं तो शांति से अपनी बात रखना, इस तरह के नारे जो कट्टरपंथी नारे हैं, गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा,
सर तन से जुदा, इस तरह की नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इतना समझाने के बाद भी और इनको परमिशन देने के बाद भी ये लोग नहीं माने और लगातार इन्होंने कई बार इस तरह के नारे लगाए। सिर्फ नारे ही नहीं लगाए बल्कि जो लोकल चैनल थे उदयपुर के वहाँ पर भी जो इन लोगों ने इंटरव्यू दिया, वहाँ पर भी इंटरव्यू के दौरान भी इन लोगों ने इसी तरह के कट्टरपंथी नारे लगाए थे। और यहाँ तक कि ब्यावर एक छोटा सा कस्बा जो पड़ता है राजस्थान का, वहाँ पर भी 10 जून को इसी तरह की एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें PSFI का इन्वॉल्वमेंट था, उन्होंने भी इस दौरान के नारेबाजी की थी, पोस्टर लगाए थे। तो उसकी भी जाँच अब उदयपुर पुलिस कर रही है। यानी ये जो पूरा मामला है बहुत गहराई तक अंदर तक फैला हुआ है और जो गौहर चिश्ती की अरेस्टिंग से इसमें कई चीज़ें सामने आएगी जो इसकी अरेस्टिंग थी बहुत ही महत्वपूर्ण थे। लेकिन बहुत ही पुलिस ने समझदारी से और चालाकी से काम करते हुए इसे इसकी ही चाल में फंसाया और इसको अरेस्ट किया। अब इसके फ़ोन की CDR निकाली जा रही है, बातचीत जहाँ जहाँ ये करता था वो सब पता किया जा रहा है। पूछताछ होगी तो और भी कई बड़े पहलू उजागर होंगे और मैं सब आपके साथ एक्सक्लूसिवली शेयर करूंगा। आप लगातार कमेंट करके हौसला बढ़ाते रहें, साथ ही खबर को शेयर करते रहें, लाइक करें और इसको फॉरवर्ड भी करें ताकि मुझे हौसला मिले और आपके लिए जो मेहनत करने का जज्बा है वो मेरा बना रहे।